Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 3 by Brain Root series. And here is the book, Science Spark. Today we are going to start with chapter number 12. And the name is Air, Water and Weather. So yes, in this chapter we are going to learn about these three components. So air, water, weather, also we are going to learn about seasons. So children, let's start with the warm up exercise. Match the things with the correct weather. आपको यहाँ पर कुछ weather दिए गए हैं, आपको उनके साथ उससे related चीज़ों को match करना है. जैसे कि यहाँ पे cap है जो हम ठंड में लगाते हैं, एक यहाँ पे कुछ raincoat है जो हम rainy day में पहनते हैं, ये जो cap है वो हम sunny day में पहनते हैं. Similarly यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ pictures हैं that you have to match. The heat of the sun affects the movement of air and changes the form of water in nature. So, जो sun का heat है वो क्या करता है? Earth के movement को, heat of the sun affects the movement of air. Air के movement को affect करता है. And changes the form of water in nature. और जो water का form है, sun का heat उसे change कर देता है. This brings about a change in weather. और इन सब चीज़ों की वजह से ही जो weather है उसमें change आता है. How do the sun, air and water affect the weather? Weather को, मौसम को, ये तीनों चीज़ें sun, air और water कैसे affect करते हैं? This we are going to learn. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे air के बारे में. Air is present all around us. हमारे हर तरफ, आसपास, हर जगह आपको air जरूर मिलेगा. We need air to breathe. हमें air चाहिए सांस लेने के लिए. So it contains the life-giving gas called oxygen. जो air है उसमें हमारे पास life-giving gas oxygen भी present है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं. We cannot see air, but we feel it. हम air को देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं. When it moves, जब वो move करता है. We can also feel air when we see leaves on a tree or clothes hanging on a clothesline. हम air को तब भी देख सकते हैं जब हमें जो है trees जो पत्ते हैं वो हिलते हुए दिखते हैं पेड़ों पे, और कपड़े जो हमने टांग रखे हैं सूखने के लिए वो भी move होते हुए दिखते हैं, तभी हम air को देख सकते हैं. हम एयर को नहीं देख सकते, हम उसे फील कर सकते कि हाँ एयर जो है चल रही है. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो चलती हुई हवा है उसे हम विंड कहते हैं. अ विंड दैट ब्लोज जेंटली इज कॉल्ड ब्रीज. और जो हवा, हल्की हल्की हवा चलती है ना, उसे ब्रीज कहा जाता है. अ विंड दैट ब्लोज स्ट्रांगली इज कॉल्ड अ गेल. और जो विंड बहुत स्ट्रांगली चलता है उसे गेल कहते हैं. स्ट्रांग विंड्स यूजुअली With rain, thunder and snow cause a storm. बहुत तेज हवाएं चलती हैं जिसमें आंधी, तूफान, बारिश सब आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? Storm कहते हैं. जिसमें जो है बिजली भी चमक रही है, बर्फ भी गिर रहा है, बारिश भी हो रही है और हवा भी चल रही है, सबका मिक्सचर हो जाता है storm. A storm can cause a lot of damage. Storm की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. पेड़ गिर सकते हैं, घर गिर सकते हैं, लोगों को चोट लग सकती है. तो बहुत ज़्यादा नुकसान क्रिएट करता है ये storm. So हल्की चलती हुई हवा को हम wind कहते हैं, breeze कहते हैं. और wind जो तेज़ चलती है उसे gale कहते हैं. और ऐसी हवा जिसमें बारिश के साथ साथ बारिश भी होती है, स्नो भी होता है, थंडरस्टॉर्म भी होता है, ऐसी हवा को हम स्टॉर्म भी कहते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉर्म की पिक्चर कैसे कितनी तेज बारिश भी है, हवा भी है, और सारे जो पेड़ हैं वो कैसे एक तरफ को झुके जा रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको क्या चाहिए? पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग. अगर हमें ड्रिंक करना है, पीना है, तो भी पानी चाहिए. कुक करना है तो भी पानी चाहिए. कपड़े धोने हैं तो भी पानी चाहिए. और प्लांट्स को ग्रो करना है तो भी हमें पानी चाहिए. तो हर एक काम के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए. वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स इन नेचर. नेचर में वाटर हर तीन, ये जो तीन फॉर्म है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में
प्रेजेंट होता है। एज आइस ऑन माउंटेन, माउंटेन्स के ऊपर आइस फॉर्म में है ये वाटर। एज वाटर इन रिवर, रिवर में वाटर के फॉर्म में है। रिवर, ओशन, सी, लेक, इन सब जगहों पे वाटर फॉर्म में है। एंड वाटर वेपर के फॉर्म में ये एयर में मिक्स है। तो आपको ये तीनों स्टेट्स दिखेंगे वाटर के हमारे आसपास। अब आप देख सकते हो वाटर इज यूज फॉर पुटिंग आउट फायर, आग लगी है उसे बुझाना है तो क्या चाहिए, पानी चाहिए। वाटर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। आइस वाटर एंड वाटर वेपर, अब क्या है ये तीनों। इन समर्स यू पुट वाटर इन टू आइस ट्रे एंड स्टोर देम, स्टोर द आइस ट्रे इन फ्रीजर। आप क्या करते हो समर में, आप जो है पानी को डाल देते हो आइस के ट्रे में और उसे फ्रीजर में जो है ऐसे रख देते हो। क्यों रखते हो, बर्फ जमाने के लिए। When you remove an ice tray, you find that the water has been hard ice. तो जब ये जमने के बाद हम इस ट्रे को बाहर निकालते तो हम देखते हैं जो वाटर हमने डाला था वो आइस में कन्वर्ट हो गया है, हार्ड हो चुका है। वाटर चेंजेस इनटू आइस ऑन कूलिंग, तो वाटर आइस कब बनता है, जब हम उसे ठंडा करते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, और इस पूरे काम को हम फ्रीजिंग कहते हैं। यू टेक आउट अ फ्यू आइस क्यूब्स एंड सम टाइम फॉरगॉट टू पुट द आइस ट्रे बैक इनटू द फ्रीजर। अब कई बार क्या होता है, हम कुछ आइस क्यूब निकाल तो लेते हैं जितनी की जरूरत है हमें, लेकिन हम उस ट्रे को वापस से फ्रिज में डालना भूल जाते हैं। द आइस क्यूब्स लाई आउटसाइड इन वार्म वेदर एंड चेंज बैक इनटू वाटर। अब ये जो आइस क्यूब्स जो हैं बाहर पड़े पड़े गर्म हवा के साथ ये वापस से पानी बन जाते हैं। सो आइस चेंजेस इनटू वाटर ऑन हीटिंग, सो गर्म करने पे ये आइस वाटर बन जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग, इसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग। इन विंटर्स वी स्विच ऑन द गीजर टू गेट हॉट वाटर। अब विंटर में क्या होता है, जब सर्दियों का मौसम आता है हम गीजर को क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं ताकि हमें गर्म पानी मिल सके। द गीजर हीट्स वाटर, अब गीजर क्या करता है, पानी को गर्म कर देता है। यू टेक आउट हॉट वाटर फ्रॉम द टैप एंड फिल योर बकेट विथ इट। आप गर्म पानी को जो है निकालते हो अपने नल से और उससे अपना बकेट फिल कर देते हो। यू नोटिस अ गैस कमिंग आउट ऑफ द हॉट वाटर, आप देखते हो जब वो गर्म पानी नल से निकल रहा है तो उसमें से गैस निकल रही होती है। दिस इज स्टीम और वाटर वेपर, इसे स्टीम या फिर वाटर वेपर कहते हैं। वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग, जब वाटर को हम गर्म करते हैं तो भाप निकलती है और इस भाप को हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर कहते हैं। तो वाटर जो है चेंज हो जाता है वाटर वेपर में जब हम पानी को हीट करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और इसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों किया जा रहा है, पानी को इवेपोरेट किया जा रहा है और यहाँ ऊपर ढक्कन लगा के उसको जो है ठंडा किया जा रहा है, कंडेंस किया जा रहा है। इफ यू लुक एट द बाथरूम मिरर, अगर आप अपने बाथरूम के मिरर को देखो, यू विल सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट। तो क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म जो है धुआं हो गया है बाथरूम में, वाटर वेपर्स आ गए हैं, तो वहां पे जो मिरर लगा है ना उसके ऊपर सारे में पानी के ड्रॉप्स फैल जाते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज द बाथरूम मिरर इज कोल्ड, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बाथरूम का मिरर है वो ठंडा है, उस पर जब गर्म हवा लग रही है तो भाप में वो कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंस होने लगता है। When the steam touches the cold mirror, जब ये स्टीम उस ठंडे मिरर को टच करता है, it turns into water, वो क्या करता है, उस वाटर वेपर को वाटर में कन्वर्ट करता है। स्टीम और वाटर वेपर changes into water on cooling, स्टीम को या वाटर वेपर को जब आप ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसे ही हम कंडेंसेशन कहते हैं। आइस वाटर एंड वाटर वेपर आर द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर, ये तीन स्टेट्स हैं वाटर के। आइस इज हार्ड एंड हैज अ फिक्स शेप, आइस जो काफी ज्यादा हार्ड होता है और इसका जो शेप है फिक्स रहता है। इट इज सॉलिड, इसे सॉलिड कहते हैं। वाटर कैन फ्लो, वाटर बह सकता है, इसीलिए इसे लिक्विड कहते हैं। वाटर वेपर कैन फ्लो एंड मिक्स विथ एयर, वाटर वेपर जो है फ्लो कर सकता है और एयर के साथ मिक्स हो जाता है, इसे हम गैस कहते हैं। तो ये आप देख सकते हो तीनों ही फॉर्म हैं वाटर के। नाउ
लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योर स्किल्स चिल्ड्रन. करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो गलत लिखे हैं, उन्हें क्या करना है, हमें करेक्ट करना और फिर से लिखना है. सो द फर्स्ट वन इज द हीट ऑफ द मून अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ एयर. जो मून का जो हीटिंग है वो क्या करता है, एयर के मूवमेंट को इफेक्ट करता है. तो यहाँ पे क्या आएगा, सन. वी ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर. हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद इन करते हैं. सो दिस इज रॉन्ग, वी विल राइट हियर ऑक्सीजन. सो सिमिलरली चिल्ड्रेन, वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द रेस्ट क्वेश्चंस योरसेल्फ. फाइंड आउट वॉट इज इनकरेक्ट एंड करेक्ट इट. नेक्स्ट इज वाटर साइकिल. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वाटर साइकिल. सो अभी हमने तीन स्टेट्स पढ़े हैं वाटर के, अब वाटर साइकिल में उसका क्या इम्पैक्ट है, लेट्स सी. यू नो दैट ऑलमोस्ट 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. हमें पता है कि अर्थ का जो 3/4 पार्ट है वो पानी से भरा हुआ है. एंड रेस्टेड लैंड, जो 1/4 पार्ट है वो लैंड एरिया है, उतना जमीन है. This water is present in the ocean, river, lake, pond and well. ये जो पानी है कहाँ कहाँ पे है, ocean में है, river में है, lake में है, pond में है और well में है. By the heat of the sun, water gets heated up and changes into water vapor. तो सूरज की जो गर्मी है उसकी वजह से क्या होता है, ये सारा पानी जो है गर्म होने लगता है. तो अब गर्म होके ये पानी जो है क्या बन जाता है, भाप बन के cloud बन जाता है. When water vapor goes in, up in the sky, it comes in contact with cool air. अब ये water vapor, क्योंकि ये गर्म है तो गर्म चीज़ हमेशा ऊपर जाती है, तो गर्म चीज़ जब ऊपर जा रही है वहाँ पे ऊपर ठंडी ठंडी जो हवा है उसके contact में जब ये आती है तो ये water droplets में convert हो जाती है. अब when these tiny droplets along with dust particles cool down, डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिल के ये ठंडे होने लगते हैं ना ड्रॉपलेट्स, दे फर्दर फॉर्म क्लाउड्स. तो ये क्या बन जाते हैं, ये क्लाउड का शेप ले लेते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं. व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड फर्दर कूल डाउन. अभी जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो क्लाउड बन चुके हैं वो और भी ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, दे फॉर्म बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स. अब ये मिल मिल के क्या बन जाते हैं, बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. These water droplets come down as a rain. अब ये water droplet जो है बारिश के form में वापस से नदी तालाबों में चले जाते हैं. So these come as rain on the land and water bodies. जमीन पे आते हैं, पानी में mix हो जाते हैं. Eventually the rain water from the land and the river reaches to the ocean. और इसी तरीके से जो ये पानी है वो लैंड या फिर रिवर या फिर ओशंस तक पहुंच जाता है. सो द साइकिल इज कंप्लीट. अब ये साइकिल कंप्लीट होता है तो पहले पानी गर्म होता है, फिर वो ठंडा होता है, फिर वो और ज़्यादा कंबाइन हो जाता है, फिर वो नीचे आता है और फिर वो पानी जो है गर्म होके ऊपर जाता है. तो आप देख सकते हो ना कैसे एक साइकिल बना है. ये साइकिल डेली चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, बिना रुके चलता रहता है. सो द साइकिल इज कंप्लीट एंड दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. और इसे ही हम वाटर साइकिल कहते हैं. इट इज अ नेवर एंडिंग साइकिल. ये कभी ना खत्म होने वाला साइकिल है. चिल्ड्रेन, डू यू नो द फॉलिंग ऑफ वाटर इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट ऑन द ग्राउंड इज नोन एज परसिपिटेशन. आपको क्या पता है कि ये जो पानी है सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में जब ये बादल बरसते हैं ग्राउंड पे, इस बरसने को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है. प्रेसिपिटेशन क्या आपको पता है? सो दिस इज द वर्ड फॉर इट. नाउ वेयर डज द वाटर गो. पानी कहाँ जाता है? द वाटर दैट फॉल्स डाउन ऑन द ग्राउंड गोज इन टू द रिवर, लेक, पॉन्ड, सी एंड ओशन. तो जो भी आसमान से पानी गिरता है वो इन सब जगहों पे चला जाता है फॉर द साइकिल टू कंप्लीट, या ताकि साइकिल कंप्लीट हो सके, आगे कंटिन्यू हो सके. सम वाटर इज ऑल्सो यूज बाय प्लांट एंड एनिमल्स. अब इन सारे पानी में से कुछ जो पानी है वो प्लांट्स यूज कर लेते हैं और एनिमल्स यूज कर लेते हैं.
Children, do you know that water is supplied to our home through taps which are connected to large water storage reservoirs? आपको पता है कि जो नल में आपके घर में पानी आता है वो कहाँ से आता है? वो आता है बड़े बड़े वाटर स्टोरेज रिजर्वॉयर्स से, बड़ी बड़ी टंकियों से वो पानी का सप्लाई आता है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस। बहुत सारे पाइपलाइंस बिछे होते हैं, उनके थ्रू वो पानी हमारे घर तक आता है। इन विलेज वेयर देयर इज नो ईस्ट ऑफ एक्सेस टू वाटर, विलेजेस जहाँ पे पानी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता, वेल्स, कैनल्स एंड ट्यूब वेल्स हैव बीन बिल्ट ऑफ बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसी जगहों पे वेल बनाए गए हैं, कैनल बनाए गए हैं, ट्यूबवेल बनाए गए हैं, ताकि पानी जो है क्या किया जा सके, जो है लोग यूज़ कर सके। तो ऐसी जगहों पे गवर्नमेंट ने ये सारी सुविधाएं दी हैं। नेक्स्ट इज वेदर। अब वेदर क्या है? यू मस्ट हैव सीन दैट द कंडीशन आउटसाइड कीप चेंजिंग। आपने देखा होगा कि बाहर का मौसम जो है डेली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बदलता ही रहता है। This day-to-day condition at a given place is known as weather. किसी भी एक पर्टिकुलर जगह में ये जो डेली मौसम का बदलना है ना, इसे हम वेदर कहते हैं। The sun, wind and water vapor cause change in the weather. अब sun, wind और जो water vapor है ये क्या करते हैं, वेदर में चेंज लाते हैं। The weather can change many times in a day. एक दिन में वेदर कई बार बदल सकता है। When the sun is very hot, जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्या हो जाएगा, एक सनी डे हो जाएगा। The morning time and the evening time is cool as the sun rays are slanting. अब जैसे ही शाम आती है या सुबह होता है तो जो सूरज होता है उसकी रोशनी कैसे आती है धरती तक, कैसे slanting form में आती है, तो इस समय मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। The sun is overhead at noon. और सन जो है हमारे सिर पे जो है, जैसे दोपहर होती है हमारे सिर के जस्ट ऊपर आ जाता है। एंड नून इज द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे, और जो नून है सबसे ज्यादा गर्म टाइम होता है दिन का। अ डे इज कॉल्ड अ क्लाउडी डे व्हेन क्लाउड्स कैन बी सीन इन द स्काई। अगर आपको आसमान में बादल दिख रहे हैं इसका मतलब दिन कैसा है, आज का दिन क्लाउडी है। व्हेन देयर इज नो क्लाउड वी हैव क्लियर स्काई। जब बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं होते हैं तो हमारा जो स्काई होता है वो एकदम क्लियर होता है, साफ होता है। क्लाउड्स गिव अस रेन। क्लाउड हमें क्या देते हैं, हमें बारिश देते हैं। सो अ क्लाउडी डे कैन टर्न इनटू अ रेनी डे। तो क्या होता है, जो क्लाउडी डे है वो रेनी डे में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन द विंड ब्लोज इट इज अ विंडी डे। जब विंड बहती है, जब हवा चलती है तो दिन कैसा होता है, विंडी होता है। When the water, wind moves with great speed and there is rain. जब बहुत तेज जो है हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, तो इसे हम कहते हैं storm. Sometimes storms are accompanied by lightning and thunder. कई बार क्या होता है, storm में जो है आंधी तूफान के साथ क्या आते हैं, बिजली भी चमकती है and lightning होती है और गड़गड़ाहट की आवाज़ भी आती है। Such a day is called stormy day, और ऐसे दिन को हम stormy day कहते हैं। When the wind blows gently, we get a breeze. जब wind जो है हल्का हल्का चलता है तो हमें हल्की हल्की हवा महसूस होती है, उसे हम breeze कहते हैं। Such a day is called a breezy day, और ऐसे दिन को हम breezy day कहते हैं। तो आप देखिए, हवा चल रही है तो windy day, धूप निकला है तो sunny day, बारिश हो रही है तो rainy day, बहुत तेज देखिए आंधी तूफान के साथ बादल बादल भी चमक रहे हैं तो स्टॉर्मी डे, एंड यहाँ पे बर्फ गिरी है तो स्नोवी डे। चिल्ड्रन, डू यू नो दैट कोल्ड विंड्स ब्लो फ्रॉम कोल्ड प्लेसेस लाइक द पोल्स। आपको क्या पता है कि जो ठंडी हवाएं चलती कहाँ से आती हैं, ये पोल्स से आती हैं। एंड हॉट विंड ब्लो फ्रॉम हॉट प्लेसेस, और अगर गर्म हवा है तो वो गर्म जगहों से आती हैं, जैसे कि डेजर्ट एरिया। Next is how breeze is formed. The sun shines brightly and heats the ground. Sun क्या करता है, बहुत तेज चमकता है और ground को क्या करता है, heat कर देता है, गर्म कर देता है। The air above the ground also gets heated. अब क्योंकि जो है सूरज जो है जमीन को गर्म कर देता है, तो उसके ऊपर जो air है उसे भी वो गर्म कर देता है। Hot air is light, so it rises. अब ये जो गर्म हवा है वो क्या करती है, वो जो है
क्योंकि वो गर्म हो गई है। तो आप देखो लैंड गर्म हुआ तो ये गर्म हवा ऊपर चली जाएगी एंड कोल्ड एयर रशेस टू टेक इट प्लेस। अब जो है ये गर्म हवा जब ऊपर की तरफ जा रही है तो जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आएगी, उस गर्म हवा की जगह ले लेगी क्योंकि जगह तो कहीं कुछ खाली नहीं रहती। दिस कॉजेस ब्रीज टू ब्लो, और इसी की वजह से ब्रीज ब्लो करता है। तो ये है आपका लैंड ब्रीज। तो लैंड से जब जो है लैंड पे जब ठंडी हवा आने लगती है उसे लैंड ब्रीज कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे सी ब्रीज में क्या हो रहा है कि जो समुद्र के ऊपर जो है जो गर्म हवा है वो ऊपर जा रही है, फिर जो है उसकी जगह ले ली है लैंड की ठंडी हवा ने। सो अब ये क्या है, सी ब्रीज। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सीजन्स। सम मंथ्स ऑफ द ईयर आर हॉटर देन द अदर्स। कुछ महीने जो होते हैं ना साल के वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं दूसरे महीनों से। एंड इट रेन्स हैविली एट सम टाइम ऑफ द ईयर। और कुछ समय क्या होता है, बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। अ सीजन इज अ टाइम ऑफ द ईयर विथ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेदर। सीजन क्या होता है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है साल का, कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, कुछ महीने होते हैं कुछ जिसमें एक जैसा मौसम होता है, एक जैसा वेदर होता है। इंडिया हैज़ थ्री मेन सीजन्स। इंडिया में तीन मेन सीजन्स है, कौन कौन से, समर, रेनी और विंटर। तो ये तीन मेन सीजन्स हैं इंडिया के। इट इज़ वेरी हॉट इन मार्च अप्रैल एंड मे। मार्च अप्रैल मे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। दिस इज़ समर इन इंडिया। इंडिया में समर सीजन चल रहा होता है। वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड सच एज लेमनेड एंड बटर मिल्क टू कीप आवर सेल्फ कूल। हम क्या करते हैं, हल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं, हम बहुत सारा पानी पीते हैं एंड दूसरे तरीके के लिक्विड जैसे कि लेमनेड, नींबू पानी हो गया, बटर मिल्क छाछ हो गई, तो ये सारी चीज़ों को हम पीते हैं ताकि हम अपने बॉडी को कूल रख सकें। तो हमें समर में ठंडी चीज़ें पीना अच्छा लगता है। आफ्टर द हीट ऑफ समर इट स्टार्ट्स रेनिंग इन जून। जब ये जो है मौसम चला जाता है गर्मी का तो जून में क्या होता है, बारिश होने लग जाती है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन। ये क्या है, रेनी सीजन की शुरुआत, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मानसून सीजन, जिसे हम मानसून सीजन के नाम से भी जानते हैं। द रेन कंटिन्यूज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री टिल सेप्टेम्बर। ये जो रेन है ज़्यादातर जगहों पर सेप्टेम्बर तक होती रहती है। आफ्टर द रेनी सीजन द वेदर बिकम्स कूल। अब जैसे ही रेनी सीजन जाता है मौसम ठंडा होने लगता है। इट इज़ कोल्ड इन दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुवरी। तो दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी में आपको जो है ठंडा मौसम मिलेगा। दिस इज विंटर इन इंडिया। विंटर का सीजन आ चुका है इंडिया में। वी वेयर वुलन क्लोथ्स टू कीप आवर सेल्स वार्म। अपने आप को गर्म रखने के लिए हम वुलन कपड़े पहनते हैं। सम टाइम पीपल सिट नियर द फायर प्लेस और यूज इलेक्ट्रिक हीटर टू कीप देमसेल्फ वार्म। तो लोग क्या करते हैं, जाके जो है फायर प्लेस मीन्स आग जला के वहाँ बैठ जाते हैं, और कुछ लोग तो इलेक्ट्रिक हीटर जला लेते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। चिल्ड्रन डू यू नो दैट समटाइम्स हैवी रेन कॉज फ्लड। आपको पता है कि जब कभी बहुत तेज बारिश होती है तो फ्लड आ जाता है। फ्लड मीन्स बाढ़ आ जाता है इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री के कुछ हिस्सों में। फ्लड डैमेज क्रॉप्स एंड बिल्डिंग। फ्लड क्या करता है, ये जो बाढ़ है ये क्रॉप्स को ख़राब करता है, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाता है। पीपल एंड एनिमल ऑल्सो डाई ड्यूरिंग फ्लड। बहुत सारे लोग और एनिमल्स भी मारे जाते हैं इस समय। When some places do not get enough rain, जब कुछ जगहों पे काफ़ी ज़्यादा बारिश नहीं होती तो क्या होता है, ऐसी जगहों पे ड्राउट जैसे सिचुएशन आ जाती, मीन्स सूखा पड़ जाता है। बिकॉज देर इज नॉट इनफ रेन देर इज नॉट इनफ वाटर। क्योंकि यहाँ पे ऐसी जगहों पे बारिश तो ज़्यादा होती नहीं है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पानी होता ही नहीं है। एंड दिस अफेक्ट द पीपल, क्रॉप एंड एनिमल इन दोज प्लेसेज। और इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ के जो लोग हैं, जो क्रॉप्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर भुखमरी जैसी कंडीशंस प्रिवेल होने लगती हैं। सो चिल्ड्रन दिस वॉज अ चैप्टर, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्लैश बैक।
एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ एयर है. आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर. ये तीन स्टेट्स हैं वाटर के. वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म ड्यूरिंग इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग एंड कूलिंग. सो वाटर अपने स्टेट्स को इन सब पार्ट्स में चेंज करता है. वाटर साइकिल इज द रिपीटेड मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अबव एंड बिलो द अर्थ. तो वाटर साइकिल क्या है? बार बार वाटर का मूव करना अर्थ पे या उससे ऊपर जाना, दिस इज वाटर साइकिल. नेक्स्ट, द वेदर कैन बी सनी, विंडी, स्टॉर्मी, क्लाउडी एंड रेनी एक्सेट्रा. सो जो वेदर है वो इन सब में से कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट, व्हेन द वेदर इज द सेम फॉर मेनी मंथ्स वी हैव सीजन. जब एक जैसा वेदर जो है काफ़ी सादा, काफ़ी ज़्यादा मंथ्स के लिए रहता है, उसे हम सीजन कहते हैं. द फाइव सीजन्स आर समर, मानसून, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. तो ये है पांच मौसम जो होते हैं, बट इंडिया में थ्री मेन सीजन्स हैं, समर, विंटर एंड मानसून. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड इज थंडर. थंडर क्या है? साउंड मेड बाय लाइटनिंग, मीन्स बिजली के चमकने से जो साउंड क्रिएट होता है वो है थंडर. नेक्स्ट इज वाटर साइकिल, द साइकिल इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ वाटर इनटू वेरियस इनटू वाटर वेपर एंड देन अगेन इनटू वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज. हियर ए एक्सरसाइज इज टेक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन इज मूविंग एयर इज कॉल्ड वाटर साइकिल, स्टॉर्म, आइस और विंड. सो इट इज कॉल्ड विंड. द स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस व्हेन, जो वाटर का जो स्टेट है वो कब चेंज होता है? व्हेन इट इज पुट इन डिफरेंट कंटेनर, जब उसे अलग अलग बर्तन में रख दें. इट इज हीटेड, जब उसे गर्म किया जाए. इट इम्प्योरिटीज आर एडेड और रिमूव, उसमें जो है गंदगी को डाला या फिर निकाला जाए, या फिर वी ड्रिंक इट, हम उसे पी लें. सो इट इज, it is heated. So when we heat water, its state changes. So now children, this third question is your homework, and this fourth one also, do them yourself. Now let's move on to B part, which is fill in the blanks with the correct word. So the dash is the never ending cycle. So it is water cycle. So let's write it here. Now the second one is dash is made up of many gases, बहुत सारे gases से बना हुआ है. So it is air. Air is made up of many gases. A dash can cause a lot of damage. किस चीज की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है? So it is storm. So let's write here storm. Like this children, do question number 4 and 5 yourself. Now let's move on to write true or false for the following statements. Plants need oxygen and carbon dioxide. क्या plant को oxygen और carbon dioxide दोनों चाहिए? So write down, find it out and write it down here on your own. Next, second one is water and gas do not have fixed shape. Yes, this is true. Third one, the water cycle never stops. True again, water cycle कभी भी नहीं रुकता. Cold air is lighter than hot air. No, this is false. Hot air जो है light है, इसलिए तो वो ऊपर जाता है. So children, what you have to do? You have to do question number 1, 5 and 6 yourself. Now let's move on to D part, which is answer the following questions. So here the first question is, what is condensation? So condensation is the cooling of water vapors. So when the water vapors cool on touching a cool surface, it is called condensation. Next is define atmosphere. So do it yourself. State of the use of water for us. हमारे लिए water के क्या क्या काम हैं, क्या क्या uses हैं. So we need water for cooking, drinking, cleaning and many other purposes. So now children, you have to do the rest questions yourself. And with this, the chapter is over, children. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.